देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर तेजगढ़ में आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने चंद्रशेखर आजाद का शहीद दिवस मनाया। आपको बता दें कि बासी तहसील का तेजगढ़ गांव देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का गांव है। इस गांव के निवासी रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारिका प्रसाद यादव गरम दल के नेता थे और उन्होंने देश की आजादी के समय अपने यहां से लोगों का नेतृत्व कर देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया था। लोगों की माने तो देश को आजादी दिलाने में इस गांव के 2 दर्जन से अधिक लोग शहीद हुए थे। जब देश आजाद नहीं था उस समय बांसी के चंगेरे स्टेट जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे इस गांव को 7 बार आग के हवाले करवा दिया था। इसी घटना के बाद इस गांव में चंद्रशेखर आजाद भी आए और यहां के स्वतंत्रता सेनानियों से मिले। आज किसान यूनियन ने इस गांव के पार्क में लगी चंद्रशेखर आजाद की टूटी मूर्ति को बदल कर नई मूर्ति स्थापित की है। अब आज तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के शहीद का जो शहादत का दिन है और आज ये भारतीय किसान यूनियन के द्वारा यहाँ के मूर्ति का जीर्णोद्धार कराया गया। और वास्तव में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन ये दुर्भाग्य ही है कि किसानों के देश में किसानों की ही सबसे ज्यादा दशा खराब चल रही है। संगठन के द्वारा अब जो हमेशा सरकारों का ध्यान जो आवारा पशुओं की तरफ जो दिलाया जाता है, लेकिन सरकारों की उदासीनता इतनी ज्यादा है कि इन आवारा पशुओं पर नियंत्रण करने के लिए कोई अभी इनकी जो पक्की कार्य योजना नहीं बन पाई। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।